खरगोन जिले में भी माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर 11 फरवरी को जिला एवं तहसील के समस्त न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर बुधवार को एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें न्यायालयीन लंबित आपराधिक शमनीय पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 138 बैंक रिकवरी मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति वैवाहिक श्रम विवाद भू अर्जन विद्युत एवं जल कर बिल संबंधित प्रकरण दीवानी मामलों का निराकरण किया जाएगा। इस दौरान ADJ GC मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत में 294506 जैसे दीवानी मामलों का भी निपटारा किया जा रहा है, जो बड़े हर्ष का विषय है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। इस माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार इस वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी को आयोजित की जा रही है, जिसमें हमारे प्रधान जिला न्यायाधीश माननीय DK नागले साहब के निर्देशानुसार पूरी तैयारी की जा चुकी है। अभी 7 खंडपीठों का गठन खरगोन में किया गया है, जिनमें अभी तक प्री लिटिगेशन के कुल 7586 प्रकरण रेफर किए गए हैं। लगभग 8000 प्रकरण रेफर होने की पूरी संभावना है। इसी तरीके से लगभग 300 प्रकरण नियमित न्यायालयों के रेफर किए गए हैं, जिनमें समझौते के संबंध में चर्चा हो रही है। इसमें जो है बैंकों के प्रकरण रखे गए हैं, बीमा कंपनियों के प्रकरण रखे गए हैं, मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरण रखे गए हैं, 138 प्रकरण में लिखित अधिनियम के प्रकरण जो चेक से संबंधित हैं वो रखे गए हैं, श्रम न्यायालय के प्रकरण रखे गए हैं। इसके अलावा विभिन्न आपराधिक प्रकरण भी रखे गए हैं जो समझौता योग्य हैं। पूर्व में धारा 294 और धारा 506(2) भारतीय दंड संहिता के प्रकरण राजीनामा योग्य नहीं रह गए थे, जिस कारण कुछ आपराधिक प्रकरणों को लोक अदालत में रेफर नहीं किया जा पा रहा था, लेकिन इस वर्ष उन प्रकरणों को भी शामिल किया जा रहा है। पूरी तैयारी है। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आप जो है लोगों को अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में उपस्थित होकर आपसी समझौते के द्वारा अपने प्रकरणों का निराकरण करवाने हेतु प्रोत्साहित करें। लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण होने का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि लोगों का आपसी वैमनस्य खत्म हो जाता है और उनके बीच में जो है सद्भाव स्थापित होता है। सिविल प्रकरणों में एक फायदा ये होता है कि कई बार लाखों में कोर्ट फीस जो है लगाई गई होती है प्रकरणों में, वो पूरी कोर्ट फीस वापस हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो हमारे विद्युत मंडल के रिकवरी प्रकरण हैं, बैंकों के रिकवरी प्रकरण हैं, BSNL के रिकवरी प्रकरण हैं, नगर पालिका के रिकवरी प्रकरण हैं, इन सब प्रकरणों में जो है संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार छूट की भी घोषणा की गई है। अगर कोई व्यक्ति लोक अदालत में राजीनामा करता है तो उन छूट का लाभ उठा सकता है। तो मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि जो है वो अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचे, ताकि सभी जनमानस इसका जो है लाभ उठा सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।